हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम संतोष और ये है न्यूली लॉन्च महिंद्रा XUV 700 का AX7 लग्जरी लाइन वेरिएंट, यानी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो आज सारी बात करने वाले हैं इस कार के बारे में कि इसमें आपको कैसे स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है और इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपके चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रंट से अगर बात करें XUV 700 की तो कुछ इस तरीके से लुक आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इसमें वेरिएंट्स की बात करूं तो इसमें टोटल आपको अगर मैं पेट्रोल में वेरिएंट्स बताऊं तो इसमें आपको 9 वेरिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं और अगर मैं डीजल की बात करूं तो इसमें आपको टोटल 13 वेरिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं पर्टिकुलर इंजन ऑप्शंस में, यानी पेट्रोल और डीजल में। और ये आप अभी देख रहे हैं 7L यानी लग्जरी लाइन टॉप वेरिएंट है ये XUV 700 का। पेट्रोल डीजल दोनों में ही आती है, ट्रांसमिशन में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही इंजन ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से इसकी LED हेडलैम्प्स यूनिट देखने के लिए मिलने वाली है जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी दो दो करके, और ऊपर आपको इंडिकेटर्स वगैरह सब LED मिलेंगे। ये DRLs आपको डबल DRLs दी हुई हैं कुछ ऐसी, और जो आपके फॉग लैंप्स मिलेंगे स्पेशली वो भी LED में मिलने वाले हैं, कोई भी हैलोजन या फिर प्रोजेक्टर वगैरह यूज़ नहीं किया हुआ है। फ्रंट से ग्रिल आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है, और अगर मैं की बात करूँ तो कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है जिसमें आपको फ्लिप की मिलेगी लॉक अनलॉक और टेलगेट ओपन करने के लिए। की वही पुरानी आपकी दी हुई है, कोई भी चेंजेस नहीं करे गए। बाकी आपकी फ्रंट से कार आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिलेगी, इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिलने वाला है न्यू महिंद्रा लोगो के साथ। और यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाती है। महिंद्रा लोगो के नीचे आपको यहाँ पे एक 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है जो कि इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई है। बाकी आपको यहाँ पे 6 स्पोक्स डिज़ाइन ग्रिल मिल जाती है, और इस तरह से कुछ ऐसा लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। और कलर्स की अगर बात करें तो 5 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हो जाती है XUV 700। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो 12 लाख से स्टार्ट होकर 21 लाख एक शोरूम तक जाती है। और अगर बात करें इसके अलॉय व्हील्स की तो कुछ इस तरीके से टोटली न्यू डिज़ाइन के आपके अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि मिलेंगे आपको 18 इंचेस के। यहाँ पे नीचे आपको कहीं पे मान दीजिएगा, यहाँ पे 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट एंड रियर दोनों ही डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन मिलते हैं विद FSD यानी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग के साथ, और लॉक अनलॉक करने पे आपके डोर हैंडल्स हैं और ORBMs हैं, वो भी फोल्ड और अनफोल्ड होते रहेंगे। डोर हैंडल्स आपके कुछ इस तरीके से स्मार्ट डोर हैंडल्स आते हैं, इनके ऊपर मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं। बाकी आप एक अभी ओवर भी देख लीजिए, ORBMs इसके फोल्ड अनफोल्ड होते रहते हैं, वो अभी हो नहीं रहे। और LED इंडिकेटर्स मिलते हैं ORBMs पे आपके ऑटोमेटिक, और नीचे यहाँ पे आपको 360 डिग्री का कैमरा मिल जाता है ORBMs पे LED इंडिकेटर्स के साथ। और यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको अडेप्टिव हेडलैम्प्स का फीचर मिलता है, यानी जैसे आपको ज़्यादा अगर रोशनी की ज़रूरत है तो आपके जो हेडलैम्प्स हैं वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। और अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में। सो कुछ इस तरीके से आपका इंजन देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे जब आप अपना मोनोट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंडिकेटर्स आपके ब्लिंक होते रहेंगे चारों, और ऊपर आपको यहाँ पे डैम्पिंग दी हुई है जिससे कि आपके जो वाइब्रेशन नॉइस वगैरह है वो आपके कैबिन तक ना पहुँच सके। यहाँ पे आपको यही पुराना फंक्शन दिया हुआ है, इसमें अगर हाइड्रोलिक्स होते तो ज़्यादा अच्छा था। बाकी आपका इंजन पूरा कवर्ड है, जो कि ये है 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करेगा 197 BHP एंड 380 Nm का टॉर्क। मैनुअल ऑटोमेटिक 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, और किसी एक इसमें वेरिएंट्स में आपको 4-व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल सकता है। और बाकी कुछ यहाँ से आपका अपना चेक कर सकते हैं आप अपना इंजन ऑयल वगैरह। और कुछ ऐसा लुक है इसके इंजन का जो कि फुल्ली कवर्ड है, और कुछ ऐसे इसकी हेडलैम्प्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ से आप अपना वॉशर्स के लिए पानी वगैरह भर सकते हैं, और कुछ लास्ट का एक ओवरव्यू, और क्लोज करते हैं अब इसके बोनट को और बात करते हैं आपसे कार के बारे में आगे। सो अगर अब बात करें यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स जिनके सेंसर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। और इसमें कुछ कमी भी है जो कि इसमें आपको नहीं मिलते, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर कोई इतना प्राइस पे कर रहा है तो उसको उसमें क्या क्या चीज़ें एक दो नहीं मिलती हैं, वो भी मैं आपको इसमें आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। और बाकी सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको 7 एयरबैग्स आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं, और इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ADS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्मेंट सिस्टम मिलता है, फ्रंट कॉलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट पायलट, ड्राइवर ड्राउनेस डिटेक्शन, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 360 डिग्री कैमरा व्यू, और सारे ही इसमें वो सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको इस प्राइस रेंज की SUV या फिर किसी और कार में देखने के लिए मिलते हैं। सेफ्टी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है, चारों डिस्क ब्रेक्स आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। बाकी अभी ये क्रैश टेस्ट में कैसा परफॉर्म करती है ये तो आप जानते हैं, महिंद्रा की
एक दो कार जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे महिंद्रा थार 4 स्टार के साथ है और XUV300 5 स्टार के साथ है। तो होप करते हैं कि ये भी अच्छा परफॉर्म करें। बाकी यहाँ पे आपको कुछ ऐसे डोर हैंडल्स मिलेंगे, आप इन्हें एक बार ऐसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, और इसे वापस से अगर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी अगर की आपके पास में है तो। बाकी आप की से भी अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर की आपके पास है तो आप लॉक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लॉक हो जाते हैं, और आप अगर इन्हें लॉक करते हैं जब की से तो ये कुछ इस तरीके से स्मार्ट डोर हैंडल्स आपके इन और आउट होते रहते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके बूट के बारे में, जो कि कई लोग इसके बारे में नेगेटिव पॉइंट बोल रहे थे कि ये फाइबर का डोर है। फाइबर का डोर है बिल्कुल है, यहाँ पे पीछे XUV700 की और AX7 की बैजिंग मिल जाती है। फाइबर का डोर इसलिए बनाया गया है ताकि कार की माइलेज को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके, और जितने अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं वो पीछे फाइबर के डोर में ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। बाकी दो पार्किंग सेंसर्स आते हैं, 4 नहीं आते हैं, ये एक पहला इसका कमी है। और रिफ्लेक्टर्स आपको पीछे मिल जाएंगे, जहाँ की आपको 4 मिलने चाहिए थे। पीछे LED टेल लैम्प्स आपको पूरी मिलती है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स भी LED में मिलेंगे। नीचे आपको बस जो रिवर्स वाला है वो आपको लाइट्स हैं उसकी वो LED में मिलेगी। डिफॉगर, वाइपर, वॉशर सब मिल जाता है, रियर कैमरा मिल जाता है। और बाकी डोर ओपन कर लेते हैं, टेल गेट तो कुछ इतनी हाइट पे टेल गेट जाता है। एक और कमी मुझे ऐसी पर्सनल लगी है, इसमें ऑटोमेटिक टेल गेट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बाकी सीट्स आप इन्हें 50-50 अगर पूरी फोल्ड कर सकते हैं। बाकी पीछे इसमें आपको जो बूट स्पेस है वो नहीं मिलेगा, जब सीट अभी मैं फोल्ड करके आपको अनफोल्ड करके दिखा देता हूँ। जो बूट स्पेस है वो आपको ज़्यादा मैक्सिमम यानी 100 लीटर्स का या फिर 120-130 लीटर्स का मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। बाकी आप सीट्स फोल्ड करके तो पूरा बूट स्पेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सीट्स के लॉक करने की जगह वगैरह है, कुछ इस तरीके से लॉक हो जाती हैं सीट्स आपकी। 50-50 फोल्ड वगैरह आप कर सकते हैं ईजिली, ये कुछ हुक्स वगैरह टाइप है जिसके पीछे से ऐसा लुक आपको एक ओवरऑल देखने के लिए मिलने वाला है। और ऊपर टेल गेट आपको दो ग्रैब हैंड मतलब ऑप्शन मिल जाते हैं, पकड़ने के लिए जगह मिल जाती है जिन्हें आप क्लोज कर सकते हैं टेल गेट को। तो बंद कर देते हैं अभी से और चलते हैं अभी इसके साइड की तरफ। और अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। ये पेट्रोल वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको पेट्रोल लिखा हुआ मिल जाएगा, और उसके साइड में जो जो डीजल होता है यहाँ पे आपको डीजल फ्लूड जो BS6 का पड़ता है वो डालने के लिए मिल जाता है। एडनॉक्स का यहाँ पे कनेक्ट फीचर मिल जाता है, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा, रूफ रेल्स मिल जाती हैं, ब्लैक पियानो फिनिश है। और अब बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ, तो कुछ इस तरीके से डोर हैंडल्स मिलेंगे आपके। और जैसे ही आप डोर खोलते हैं तो आपको वेलकम फंक्शन मिलता है, जैसे कि सीट आपके इलेक्ट्रॉनिकली पीछे ऑटोमेटिक हो जाती है, वो अभी नहीं हुई है क्योंकि कार अनलॉक है। मतलब पहले भी एक दो बार सारे गेट इसके खुले पड़े क्योंकि देखने लोग काफ़ी आ रहे हैं। बाकी डोर आपको कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पे आपके 6-वे की इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, और 3 यहाँ पे आपके मेमोरी फंक्शन मिलते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपकी पोजिशनिंग क्या रहने वाली है। और यहाँ पे आपके डोर हैंडल्स मिलेंगे सिल्वर कलर में, और यहाँ पे आपको पावर विंडो मिल जाती है। जो ड्राइवर साइड है वही आपको सिर्फ ऑटो अप और ऑटो डाउन के साथ मिलती है, बाकी आपको कोई भी पावर विंडो आपको ऐसी नहीं मिलेगी, उस तरीके से वर्क करती है। बाकी यहाँ पे आपके सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं ब्लैक पियानो फिनिश में, और यहाँ पे आपके लॉक अनलॉक के बटन से आपको इस तरीके से काम करते हैं। ये हैं इसके वॉल्यूम से कंट्रोल्स जिन्हें आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे, फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल है इलेक्ट्रॉनिकली। ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ हुआ है यहाँ पे, और ये बहुत ही सॉफ्ट टच फिनिश है, इतना तो मैंने किसी कार पे नहीं देखा। और यहाँ पे पीछे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर मिल जाएगा, नीचे आपको लाइट्स मिल जाती हैं ताकि जब आप डोर खोले रात में तो पीछे आने वाली कार्स को इंडिकेट होता रहे। ये आपका लंबर सपोर्ट है जिसे आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे, जो कि यहाँ पे आप शायद विजिबल हो, ये हल्का हल्का ऊपर आता है, जिससे आपको बैक की पोजिशनिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट तो आपकी आती है, बस ये मैनुअल आपको मिलता है। यहाँ से पहले सीट पूरी पीछे कर लेते हैं, ये सीट अब इस समय पर पूरी पीछे है। और कुछ ऐसा दिखता है न्यू XUV700 टॉप वेरियंट का डैशबोर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बाकी कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है तो उसके लिए सॉरी, बट डिटेल्स है। और बाकी यहाँ पे आपको लेदर टच मिलता है, ये एल्यूमिनेट, यहाँ पे आपको स्टिचेस मिलते हैं, नीचे आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिलती है, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल असिस्ट का ऑन ऑफ के स्विच मिल जाते हैं, हेडलाइट लेवलर है, नीचे दो पैडल्स मिलेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है। और कुछ ऐसा व्यू आपको देखने के लिए मिलने वाला है, तो चलिए बैठते हैं कार के अंदर और अंदर के फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। और स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करें तो कुछ ऐसा स्टेयरिंग व्हील मिलता है जो कि टोटली न्यू है, किसी का उठा के किसी में नहीं लगाया महिंद्रा ने। बाकी तो इस तरीके से आपका मिल जाता है 20 इंचेस का इंफोटेनमेंट प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि कुछ ऐसा देखने के लिए मिलने वाला है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है।
कुछ भी इसमें एनालॉग का फंक्शन आपको नहीं मिलेगा, टोटल एक टैबलेट वाली फील आएगी आपको इसको देखने के बाद। एनिमेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, जीपीएस नेविगेशन वगैरह सब कुछ आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही देखने के लिए मिलेगा। आप जब मैप वगैरह अपना नेविगेशन वगैरह चालू करेंगे तो बीच में यहाँ पे पूरी डिस्प्ले में भी कवर हो जाता है कभी कभी, तो इसके जो ये डायल्स वाले ऑप्शन है इसमें आपको और भी ज़्यादा एनिमेशन वगैरह मिलते हैं कि डायल्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, इसका जो थीम वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, इसमें ट्रिप ए ट्रिप बी मीटर सारे फंक्शन दिखाएगा, और क्रूज कंट्रोल अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मतलब अगर आपकी आगे वाली कार 60 पे चल रही है और आपकी भी 60 पे चल रही है, अगर आगे वाली कार अपने स्पीड इंक्रीज करती है तो आपकी भी ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करती रहेगी। यहाँ पे मीटर रिलेटेड कंट्रोल्स दिए हुए, वॉइस कमांड, कॉल रिसीव एंड डिस्कनेक्ट के सारे सारे फंक्शन दिए हुए, लेदर स्टिच आपको स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलने वाला है, और फ्रंट से कुछ ऐसा भी ड्राइवर साइड व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। महिंद्रा इसे सुपर स्क्रीन कहता है, जिसे 20 इंचेस की जो स्क्रीन इसकी पूरी पूरी है। बाकी कुछ ऐसे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलने वाला है, कुछ ऐसे आपको स्पीडोमीटर्स देखने के लिए मिलेंगे, फुल्ली डिजिटल, लेफ्ट साइड आरपीएम, राइट साइड आपको स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलेगा, बीच में जीपीएस नेविगेशन है, कौन सा डोर आपका खुला है कौन सा नहीं नेविगेशन का यहाँ जैसे आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील से सारे आप अपने एमआईडी कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन है, व्हीकल इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑप्शंस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फ्यूल इन्फो देगा, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, अलर्ट हिस्ट्री वगैरह दिखाएगा, सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, डिस्प्ले लेआउट चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेविगेशंस हैं और बाकी कार के रिलेटेड सारे फंक्शन यहाँ पे मिलने वाले, सारे लैंप्स वगैरह आपके यहीं डिजिटली शो करेंगे। डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन लेआउट में जाएंगे तो यहाँ से अपना लेआउट चेंज कर सकते हैं नॉर्मल, और यहाँ पे आपके काफ़ी सारे लेआउट्स मिल जाएंगे, 2-3 इसमें लेआउट मिलते हैं। नॉर्मल लेआउट आपका अभी है, इन्फॉर्मेशन वाला लेआउट कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपके डायल्स वगैरह छोटे हो जाएंगे, और नेविगेशन की मैं जो बात कर रहा था वो कुछ इस तरीके से आपका शो होगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, जैसा कि आप अपने डिस्प्ले में देख सकते हैं। बाकी आपके जो भी थॉट्स हों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाला ये ड्राइवर असिस्ट है ये, जिसका आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। इसमें ड्राइवर ड्राउनेस सिस्टम वगैरह भी आता है, अगर आपको थोड़ा सा नींद आ रही है, कुछ स्टीयरिंग व्हील आपका हल्का फुल्का भी इधर होता है, लेन वगैरह लेन असिस्ट वगैरह, तो वो सब आपको एक बीप करेगा जिससे कि ड्राइवर को एक नोटिफिकेशन टाइप मिले कि उसकी कार गलत पोजीशनिंग में है। बाकी यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक वाइपर्स वगैरह कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, और ड्राइवर साइड से कुछ ऐसा व्यू देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी आपको स्पीकर मिल जाता है। अब अगर बात करें इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, इसमें आपको 13 स्पीकर का सोनी का साउंड सिस्टम मिलता है जो कि 3D साउंड सिस्टम इसमें है, और अगर आप लोग इसके साउंड क्वालिटी की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा, बहुत ही अमेजिंग साउंड क्वालिटी है इसकी। डिस्प्ले पे भी आपको इंस्टाग्राम के लिए यूज़र नेम मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, डिस्प्ले भी मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग साउंड क्वालिटी है इसकी, मैंने लाइव एक्सपीरियंस करा हुआ है, तो आप लोग भी अगर इसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें, और वहाँ पे आप लोग मुझे इसकी फॉलो करके उसकी वीडियो आप देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे डालना पॉसिबल नहीं होता है। बाकी यहाँ पे आपके सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप यहाँ से वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट कर पाते हैं, SOS है, और बाकी इसमें एड्रेनोक्स का कनेक्शन कनेक्ट मिल जाता है, और अपने फ़ोन को भी आप अपने कार से कनेक्ट कर सकते हैं जिसके कि स्टार्ट स्टॉप करना, डोर लॉक या फिर अनलॉक करना, और इसमें आपको लाइव व्हीकल ट्रैकिंग मिल जाता है, व्हीकल स्टेटस मिल जाएगा, एमरजेंसी स्टेट, ट्रैवल एक्सप्लोरर, सारे आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते, फ़ोन में ही देख सकते हैं मतलब कार को, इंजन स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं आप कार को। बाकी यहाँ पे आपके एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी USB लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ब्लूटूथ वगैरह FM रेडियो के सारे फंक्शंस आपको मिलते हैं। इसमें आपके जो साउंड के मोड्स हैं वो भी आपको इसमें कम से कम नहीं तो 6 या 7 मोड्स मिलते हैं, जिसमें 3D साउंड क्वालिटी वाला इसमें इनबिल्ट है, और बाकी आप कई सारे इसमें एक्सपीरियंस कर पाएंगे साउंड के मोड्स को। और यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह मिलती हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट हैं, जजाइल हॉटस्टार, और इसमें अलेक्सा वगैरह के सारे फंक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, और 3D और सॉरी 360 डिग्री कैमरा का व्यू आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाला है। राइट साइड वाला ड्राइवर साइड डोर अभी खुला हुआ है तो आपको परफेक्टली दिखेगा नहीं, बाकी मैं अभी एक बार फिर से आपको दिखा दूंगा। और ये थे कुछ इसके सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स। रियर व्यू कैमरा आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, और अब मैंने डोर क्लोज कर लिया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से 3D आपका 360 डिग्री में आपका व्यू कैसा देखने के लिए मिलता है, और यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं कैमरा वगैरह के एंगल्स की, कौन सा कैमरे का आप व्यू देखना चाहते हैं, ऊपर से भी आप चेंज कर पाएंगे, आपको रियर का देखना है या फिर लेफ्ट साइड के ओवर व्यू का देखना है, राइट साइड के ओवर व्यू का, ये है पीछे का और ये आपको आगे का मिल जाता है, और ये है 3D व्यू जो कि कुछ ऐसा मिल रहा है। कैमरा क्वालिटी ठीक है,
बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ आप इसे बुरा नहीं कह सकते। आप लाइव देखेंगे ना एक बार तो आप जरूर समझ जाएंगे कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन टॉप नॉच वाली क्वालिटी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग जैसा भी बताएं। कुछ ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, नीचे आपको टू जोन का क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, और यहाँ पे एसी वेंट्स मिलेंगे। स्टार्ट स्टॉप का बटन आपके राइट साइड में मिल जाएगा, एसी वेंट्स के साइड्स में ही, जो कि आपको वो जैसा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एसी के सारे आप अपनी तरफ से ब्लोअर वगैरह एडजस्ट कर पाएंगे। नीचे आपको यहाँ पे सारी एक सॉफ्ट टच फिनिश है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। बाकी आप कार्स में देखेंगे तो इतना सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा हार्ड होता है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे एसी के कंट्रोल्स, 1000 लैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा का एक क्विक स्विच भी मिल जाता है, जो कि आप डायरेक्टली स्विच कर पाएंगे अपने सेटिंग्स में। यहाँ से आप इसे हटा सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आपके दिए हुए हैं, और वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। यहाँ पे एयरबैग्स वगैरह ऑन ऑफ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, और वायरलेस चार्जिंग भी आपके यहाँ पे मिल जाती है। और 6 स्पीड का मैनुअल, सॉरी 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, जिसमें आपको ये महिंद्रा थार वाले सिस्टम है। यहाँ पे आपका लॉक मिल जाएगा, यहाँ पे पार्किंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का बटन मिल जाता है, और यहाँ से आप अपना इंफोटेनमेंट कंट्रोल कर पाएंगे, क्विक स्विच भी कह सकते हैं इसको। और ये जो नीचे आपका नॉब दिया है, इससे आप वॉल्यूम वगैरह अपनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होगी। और यहाँ पे बटन्स वगैरह दिए हुए हैं होम पे जाने के लिए, डायरेक्टली कॉल स्विच वगैरह करने के लिए। आपके यहाँ पे सारे बटन्स वगैरह दिए हुए हैं, जिन्हें आप इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स यूज़ कर पाएंगे। स्टीयरिंग व्हील से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। 2 ग्लास होल्डर्स मिलते हैं, ये एक परफ्यूम है शायद। और यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाती है, आर्मरेस्ट आपका सॉफ्ट टच फिनिश के साथ आता है लेदर में, जिसे आप खोलेंगे तो अंदर ये कूल्ड आता है। यहाँ पे वेंट दिया हुआ है, लेकिन वो अंधेरे के कारण दिख नहीं रहा है। बाकी ये कूल्ड आएगा आपका, और क्लोज कर देते हैं इसको। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे ट्विटर्स मिल जाएंगे आपके, सोनी के पूरा सिस्टम मिलता है आपका, म्यूजिक सिस्टम। और ये एक कमी है, जिसमें आपको ऑटो आईआरबीएम वगैरह नहीं मिलता है, मैनुअल मिलता है। 24 लाख की गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी मैनुअल मिलता है, तो ये थोड़ा मुझे क्या किसी को भी पसंद नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे आपका वैनिटी में ड्राइवर साइड में मिरर और लाइट्स मिल जाती हैं, एलईडी ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ड्राइवर साइड वैनिटी में आपको मिरर नहीं मिलता है, ना ही कोई टिकट होल्डर मिलता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये आपका यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है ड्राइवर साइड, और उस तरफ पैसेंजर साइड मिल जाएगा। 13 स्पीकर आते हैं इसमें, और ग्रैब हैंडल मिलेंगे एडजस्टेबल। और ये है इसका ग्लव बॉक्स, जो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर आपको स्पीकर्स वगैरह मिल जाते हैं, कुछ ऐसा डोर आपको देखने के लिए मिलेगा, और ग्लव बॉक्स यहाँ से ओपन होता है, जो कि बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है। इसमें अंदर आपको एलिमिनेशन भी मिल जाती है, कुछ इस तरीके से इतनी स्पेस आपको मिलती है। और यहाँ पे आपका गेयर नॉब, ऊपर आपका वैनिटी, और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है। ऊपर आपको यहाँ पे जस्ट लाइट्स के सराउंडिंग्स में एक एम्बियंट लाइटिंग भी मिलती है, तो 2 LEDs मिल जाती है। और यहाँ पे आपके LEDs के बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ पे SOS का बटन भी मिल जाता है। और ये है कार का बेस्ट पार्ट, जो कि आजकल हर कार में फैशन हो गया है, पैनारोमिक सनरूफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जब आप इसे रियल लाइफ में देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि कितनी बड़ी है। कुछ इस तरीके से इसकी सनरूफ आप यूज़ कर सकते हैं। वन टच ओपन एंड क्लोज वाला फंक्शन इसमें मिलता है। सनरूफ, मून रूफ, कुछ भी कह लीजिए इसको, और इतनी ओपन होती है ये, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है। 2 आदमी तो आराम से ऊपर निकल सकते हैं, चाहे वो कैसे भी हों, इतनी बढ़िया। वो आप लोग जब एक्सपीरियंस करेंगे सामने जाके तो बताइएगा। और बाकी क्लोज कर देते हैं इसको, और इसमें जैसे कि आप अपनी सनरूफ क्लोज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी शेड्स भी क्लोज हो जाएंगी। इसको बंद करने के लिए आपको अलग से बटन, मतलब एक बार और दबाना नहीं पड़ेगा। भाई कुछ ऐसा डैशबोर्ड का एक पूरा व्यू आप देख लीजिए। और स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि टिल्ट है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही इसमें एडजस्टमेंट आपको मिल जाते हैं। और जो बटन्स वगैरह हैं ना, ये आपको एल्यूमिनेटेड मिलते हैं, ताकि रात में भी आप इजीली देख पाएं। बीच में न्यूली महिंद्रा का लोगो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। और नीचे आपको 2 पेडल्स मिलेंगे, ब्रेक एंड एक्सलरेशन का, और बाकी यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं। और कार को कर लेते हैं ऑफ, और चलते हैं इसके सेकेंड रो में, वहाँ आपको कैसा स्पेस, क्या फंक्शन मिलते हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, वो बताते हैं। क्लोज कर देते हैं डोर्स के, डोर्स हैंडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। आज की डेट में कोई भी कार ऐसा इस रेंज में तो नहीं दे रही है। बाकी कुछ ऐसे डोर्स मिलेंगे आपके, जो कि बीज एंड ब्लैक कलर के साथ आते हैं, और सिल्वर डोर हैंडल्स मिलेंगे। पावर विंडो कंट्रोल्स मिलेंगे, ब्लैक पियानो फिनिश, सॉफ्ट टच, स्पीकर, बॉटल होल्डर,
मिल जाता है आपको यहाँ पे, और कुछ ऐसी सीट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। सीट्स आपकी डिक्लाइन कर सकते हैं आप दोनों तरफ, 60-40 का स्प्लिट फीचर भी मिलता है और डिक्लाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे डिक्लाइन कर पाएंगे अपनी सीट को। और ये सीट ने सुसाइड कर लिया। बाकी सीट्स आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती हैं, एडजस्टेबल एड्रेस के साथ आती है, बीच वाला एड्रेस आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बाकी दोनों आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसा टेक्सचर दिया हुआ है। तो बैठते हैं कार के अंदर, और पीछे जो फ्रंट ड्राइवर सीट है वो पूरी पीछे थी, लेकिन उसके बाद भी आपको बिल्कुल स्पेस एकदम ज़बरदस्त मिलेगा, स्पेस की कोई भी कमी नहीं है XUV700O में। और यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एक USB पावर सॉकेट मिल जाता है, ये बॉस फंक्शन कह सकते हैं, इसे आप पुल करके सीट पूरी आगे कर सकते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल लाइट्स मिल जाती हैं, दोनों तरफ LED मिलेंगी, इस तरफ भी और उस तरफ भी। ग्रैब हैंडल विद कोट हुक मिल जाता है आपको, मैगजीन होल्डर मिल जाएगा ड्राइवर साइड सीट में। और यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है, आर्मरेस्ट भी आता है इसमें, ISOFIX मिल जाएगा, आर्मरेस्ट अवेलेबल है। और बाकी आप चलते हैं कार के बाहर और चलते हैं थर्ड रो में, किस तरीके से आप जा सकते हैं, कितना ईजी है कितना डिफिकल्ट है वो बताते हैं। थर्ड रो में जाने के लिए आपको लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड का डोर ओपन करने के बाद आपको ये वाली सीट जो है वो नीचे से यहाँ से पुल करनी पड़ेगी, और बहुत ही आसान है, कोई बच्चा भी कर सकता है, बहुत ही हल्के इसके लीवर्स है, और कुछ इस तरीके से आपकी सीट फोल्ड हो जाएगी और कुछ इतना स्पेस मिलेगा आपको जाने के लिए। जो थोड़े हाइट वाले लोग हैं उनको शायद जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन जैसे कोई 5.78 है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और पीछे आप बैठ सकते हैं, और इसको फोल्ड करने के बाद वापस से लगा लेते हैं पहले इसको। और जो स्पेस आपका पीछे मिलता है वो मेरे हिसाब से तो आप लॉन्ग जर्नीज भी इसमें कर सकते हैं, जो कि फ्रंट वाली सेकंड रो की सीट्स है, ये थोड़ी सी रिक्लाइन भी हो जाती है, अगर ये हल्की सी नॉर्मल पोजीशन पर रहे तो पीछे जो दो पैसेंजर वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो जितनी भी लॉन्ग करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे AC वेंट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिन्हें अभी मैं खोलता हूँ, पहले तो लाइट्स ऑन कर लेते हैं। बाकी कुछ इस तरीके से AC वेंट आपको मिल जाते हैं दोनों तरफ, और पीछे आपको स्पीकर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि 13 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है इसमें। और नी रूम भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, यहाँ से आप अपने ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर स्पीकर है, ग्रैब हैंडल्स भी दिए हुए हैं, थर्ड रो के लिए भी ग्रैब हैंडल्स हैं, यानी इसमें आपको टोटल 5 ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। पीछे से ड्राइवर साइड लुक और डैशबोर्ड का लुक ऐसा देखने के लिए मिलता है, पीछे आपका कंफर्टेबल रहेगा, आप ज़रूर जाकर देख के आए नियरेस्ट शोरूम में। और बाकी इसको मैं कर लेता हूँ क्योंकि बाहर भी निकलना है। और जैसे कि अब यहाँ पे मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ, अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता सकते हैं। बाकी आप लोग अगर यहाँ तक आ गए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप लोग इसकी म्यूज़िक टेस्ट सुनना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, बाकी डिस्प्ले पर मैं शो कर दूँगा। और बाकी कुछ एक बार और ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं पूरी कार का, किस तरीके से दिखती है न्यू XUV700O का टॉप मॉडल। फ्रंट से जैसे देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि आप देख चुके हैं। सो अब कर लेते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो एक बार फिर से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मतलब एक ही बार करें, बार बार ना करें, जब तक वो ग्रे नहीं हो जाता तब तक करें। और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम संतोष, टेक केयर, बाय बाय। और ऑडियो टेस्ट के लिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।